जबरदस्त जाम देखिए हाई कोर्ट के सामने। ये जयपुर का है स्टेचू सर्कल और इस पे स्टेचू बना हुआ है सवाई जयसिंह द्वितीय जो यहाँ का महाराजा था उसका। और बहुत तेज बरसात आ चुकी है दोस्तों, ये देखिए रेलवे स्टेशन के सामने रास्ते में पानी भरा हुआ है जबरदस्त। पूरे सामने आ गया रेलवे स्टेशन जयपुर। हेलो दोस्तों, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, एक बार फिर हाजिर हूँ मैं एक नए ब्लॉग के साथ। और अभी जा रहा हूँ मैं राजस्थान रोडवेज से, बस राजस्थान रोडवेज की बस है उससे जयपुर। तो नया बस स्टैंड बनाया है, वहाँ चल रहे हैं, तो देखते हैं मिलाते हैं आगे। और मेले की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं, यहाँ पर मेला लगने वाला है राजगढ़ जगन्नाथ जी का, 7 तारीख को रथ निकलेगा। और ये इधर बुकिंग है, यहाँ रोडवेज बस आएगी, यहाँ से चलते हैं, पूछते हैं कितनी बजे बस आएगी, फिर अगला सफ़र शुरू करते हैं। इधर से चलो। जबरदस्त जाम देखिए हाई कोर्ट के सामने, क्या हालात हो रहे हैं। चलते हैं आगे और फिर वहां से कुछ दिखाते हैं। ये जयपुर का है स्टेचू सर्कल, ये देखिए। और इस पे स्टेचू बना हुआ है सवाई जयसिंह द्वितीय जो यहाँ का महाराजा था उसका, ये उनका स्टेचू बना हुआ है। और मौसम बड़ा मस्त हो रहा है, बरसात आने की संभावना है, चारों तरफ हरियाली है, गजब देख सकते हो। और ये स्टेचू सर्कल के स्थिति देखिए, क्या सुंदरता है, क्या व्यू है, दिखाई दे रहा होगा आपको, ये देखिए थोड़ा वाइट वाइट दिखाई दे रहा है कि दिन का मौसम है इस वजह से। और दोस्तों पैदल 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 अब मैं चल दिया रेलवे स्टेशन की तरफ, जो यहाँ से पड़ता है स्टेचू सर्कल से करीब 2 किलोमीटर से ऊपर है, 2.4 किलोमीटर। चलते हैं और देखते हुए चलते हैं, रास्ते में क्या क्या मिलता है दिखाते हुए चलता हूँ आपको, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो दोस्तों 1 किलोमीटर चलने के बाद मैं रेस्ट करने के लिए रुका हूँ, पसीना पसीना हो गया, बहुत ज़बरदस्त उमस है, मतलब 80 के आसपास उमस ह्यूमिडिटी है जयपुर में। तो रुक गया, बहुत ज़बरदस्त पसीना पसीना हो गया, लथपथ हो गया थोड़ा आराम करने के लिए। ये सेल्टर में ये है रोडवेज बस स्टॉप, सिटी बस स्टॉप, यहाँ पर रुक गया और कुछ समय बाद रेस्ट करके यहाँ से आगे रवाना होता हूँ रेलवे स्टेशन के लिए। तो हमारे वीडियो के एंड तक बने रहना दोस्तों, और लाइक ज़रूर करना पसंद आता है। तो चलते हैं आगे, यहाँ से चलते हैं दोस्तों धीरे धीरे पैदल पैदल रेलवे स्टेशन की ओर। आप सोच रहे होंगे पैदल पैदल क्यों जा रहा है, मेरे पास टाइम है, 4:30 ट्रेन है 4:20 पे पूजा एक्सप्रेस जो जम्मू जाती है, और अभी बजे हैं 2:30, तो आराम से 1 घंटे में पैदल पैदल चल जाऊंगा, क्योंकि यहाँ से 2 किलोमीटर है टोटल, इसलिए जा रहा हूँ, एक्सरसाइज भी हो जाएगा और 2 पैसे भी बच जाएंगे, 50 रुपये बचेंगे। चलते हैं आगे। स्टेचू सर्कल के बाद में पहला चौराहा आया है, ये नाम मैं जानता नहीं कौन सा है,
चलते हैं, इसको क्रॉस करके फिर सीधा निकलना है इस चौराहे से। बत्ती हो रखी है, रेड बत्ती हो रखी है। चलते हैं आगे, निकलते हैं। दोस्तों बरसात आने वाली है, देखिए बादल घटाएं छा चुकी हैं और शायद भीग सकते हैं। रास्ते में कोई जगह नहीं मिली तो रुकने के लिए चलते हैं आगे। इस रूट पर जाना है सीधा, देखते हैं। और बहुत तेज़ बरसात आ चुकी है दोस्तों, ये देखिए। देखता हूँ एक ब्यूटी पार्लर की दुकान के सामने। चलते हैं, बरसात रुकने का इंतजार करते हैं, उसके बाद चलते हैं। ये देखिए पैरों की स्थिति क्या हो गई बरसात की वजह से। तो इधर ट्रेन जा रही है, ये अजमेर पुलिया है, इसके नीचे होकर निकल रहा हूँ मैं। और सामने मेट्रो, और यहाँ से 500-700 मीटर की दूरी पर है जयपुर जंक्शन, तो जयपुर रेलवे स्टेशन। चलते हैं, मिलते हैं आगे फिर। साहब ये जो ट्रेन जा रही, तो क्या व्यू है यहाँ का देखिए। ऊपर मेट्रो, नीचे ट्रेन, इधर रोड और इधर शोरूम है, गजब दृश्य। चलते हैं आगे। और बस अब कुछ समय बाद में जयपुर रेलवे स्टेशन आने वाला है। मेट्रो रेलवे स्टेशन तो आ गया, ऊपर दिखाई दे रहा है ना वो। और अब चलते हैं आगे, वो भी आ जाएगा। बस थोड़ी दूर और है, 300 मीटर करीब। बरसात ने पूरे भिगो दिए, क्या करें, बरसात आ गई रास्ते में। चलते चलते 80% भीग चुका हूँ। ये देखिए जूतों की हालत, पैंट की हालत क्या हो गई। चलते हैं तो दोस्तों आगे और फिर मिलते हैं। ये देखिए दोस्तों फिर वापस बरसात आ चुकी है, और बहुत तेज़ बरसात हो रही है। ये देखिए अब ये जो मेट्रो स्टेशन है उसके नीचे रुके हुए हैं बाकी लोग, मैं भी वहीं खड़ा हूँ, बस भी खड़ी है। अब देखता हूँ थोड़ा सा आगे क्या स्थिति है। ये जयपुर जंक्शन का तीसरा प्रवेश द्वार है, तृतीय एंट्री। ये देखिए ऊपर ये मेट्रो स्टेशन है, फिर अब सामने ही जाना है, लेकिन बरसात आ रही है। देखो आप कितनी तेज़ बरसात आ रही है, ये देखिए दिख रहा होगा। ये तो मैं ओवर ब्रिज के नीचे हूँ, ये देखो ये ओवर ब्रिज है, और यहाँ से ऐसा माहौल, पानी पानी भरा हुआ है स्टेशन के बाहर। देखिए लोग कैसे कैसे जा रहे हैं, ये देखिए। सामने आ गया रेलवे स्टेशन जयपुर, पहुंच चुके हैं दोस्तों। यहाँ तक का सफ़र आपको कैसा लगा, पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों। चलते हैं आगे, टिकट लेते हैं और उसके बाद फिर बैठते हैं ऊर्जा एक्सप्रेस जम्मू तवी में, जो अजमेर से जम्मू जाती है, उसमें बैठना है। ये देखिए पानी के क्या हालात है, कितना पानी है। और अब दोस्तों लेते हैं टिकट, ये अंदर प्रवेश कर गए, और यहाँ से लेते हैं अनारक्षित टिकट। ये देखिए टिकट लेकर फिर आपको बताता हूँ। दोस्तों ये टिकट ले लिया है जयपुर से राजगढ़, 70 रुपये का दिया है। चलते हैं बाहर, अब बाहर का तो हालात बड़े गंभीर हो रहे हैं। देखिए 4:10 पे ट्रेन आएगी, और अभी बजे हैं 3:15, तो काफ़ी टाइम बाकी है।
जब तक बाहर देखते हैं कुछ। और जयपुर जंक्शन से टिकट ले लिया है, सामने टिकट बुकिंग है, ये दिखाई दे रहा है ना ये। अब चलते हैं बाहर, सुबह से कुछ खाया नहीं है, देखते हैं क्या मिलता है, कुछ खाते हैं। दोस्तों ब्रेड पकौड़े खा लिया है, एक ही खाया है। चलो भैया अंदर प्रवेश हो जाओ। और अंदर प्रवेश हो गए हैं, चलो और बरसात आ रही है इधर भाई लोगों। आगे 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 सेवन तो आएगा ना। ट्रेन जयपुर से चल दी है दोस्तों, ट्रेन के अंदर बैठ गए। और जम्मू तवी में जबरदस्त भीड़ थी, इस वजह से उसमें नहीं बैठ पाए, चढ़ ही नहीं पाए, लोग गेट पे भी लटक रहे थे। इस वजह से अब ये लोकल जयपुर हिसार ट्रेन चलता है, उसमें बैठा हूँ। और अंदर देखिए लोग आराम से बैठे हैं, इसमें भी ज़बरदस्त भीड़ चढ़ जाएगी आगे, कि जयपुर जंक्शन से ही चलती है, इसलिए यहाँ राहत मिल गई, सीट मिल गई, आराम से बैठ गए। आगे से बैठते हैं तो बैठ नहीं पाते, इतना ज़बरदस्त हालात ख़राब हो जाते हैं। और बाहर का व्यू देखिए क्या सुंदर प्यारा व्यू है, मज़ेदार। ये लोकल ट्रेन है लेकिन बहुत फास्ट चल रही है, राइट टाइम एकदम। देखिए बाहर से व्यू गजब नज़र है, सुंदरता है, मस्त। लेकिन बरसात का मौसम है, उमस है, ज़बरदस्त गर्मी है। अब ट्रेन चलिए तो हवा लगी है, थोड़ा ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। और अब कुछ समय बाद एक गांधीनगर रेलवे स्टेशन आ गया, और यहाँ से ज़बरदस्त भीड़ चढ़ेगी, ये देखो लोग ज़बरदस्त भीड़ है। आप दोस्तों अब मैं राजगढ़ पहुँचने वाला हूँ कुछ समय बाद में, मतलब एक स्टेशन और उसके बाद में राजगढ़ पहुँच जाऊँगा। और अभी तो गाड़ी खाली हो चुकी है, नॉर्मल आ रही है, सीट सीट पर बैठे हुए हैं। और इस तरह से बाहर का अंधेरा है बिल्कुल, बाहर से व्यू देखिए राजगढ़ रेलवे स्टेशन का। ये दोस्तों राजगढ़ रेलवे स्टेशन आ चुका है, बहुत अंधेरा हो रहा है, क्या मालूम क्या चल रहा है। ट्रेन रुकेगी उसके बाद में उतरेंगे ट्रेन से, और अब हम उतरेंगे 9:10 बिल्कुल राइट टाइम गाड़ी आई है। फिर यहाँ से साधन पकड़ के गाड़ियाँ रहते थे, 9:11 का टाइम है और भी 9:10 पे एक मिनट पहले आ गई। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में दोस्तों।